आज की सबसे अहम खबर जो है वो तो कोरोना के हवाले से है, जिसने हमारे हमसाया मुल्क के अंदर तबाही मचाई हुई है। अल्लाह पाक उनकी हालत के ऊपर रहम फरमाए, लेकिन हमारे अपने मुल्क के अंदर भी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। अभी DGISPR ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अनाउंसमेंट्स की, तो उससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन का हमें सामना है, जहाँ ऑक्सीजन जो मुल्क के अंदर पैदा होती है उसका 75% ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर में कंज्यूम हो रहा है, और अगर सूरत हाल बिगड़ती है, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल आए, तो बाकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कंज्यूम कर रहा है ऑक्सीजन, उसको भी डाइवर्ट करना पड़ेगा। जो परसेंटेज है, जो नंबर है डेथ्स का, वो ग्लोबल एवरेज से हम एक्सीड कर गए हैं, शायद पहली दफ़ा जब से ये कोरोना की वेव आई है। और बहुत नामनासब SOP की इन्फोर्समेंट है, उसी को सामने रखते हुए फ़ौज को पूरे मुल्क में आर्टिकल 245 के तहत डिप्लॉय कर दिया गया, जिसमें से 16 ऐसे शहर हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो वहां इन्हेंस डिप्लॉयमेंट, उसकी उनकी ड्यूटियां और उनकी फ्राइज जो है बाकी शहरों की निस्बत ज़्यादा मौसर तरीके से इन 16 शहरों के अंदर सामने आएंगे। ये तो आज के प्रोग्राम का हमारा मेन टॉपिक रहेगा, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम मसलाए कश्मीर के हवाले से करेंगे, और मसलाए कश्मीर से भी मकबूजा वादी के अंदर जो सूरत हाल है उसको सामने रखें, और एक बैक चैनल कॉन्टैक्ट बार बार उसकी खबर चल रही है कि पाकिस्तान और भारत में कहीं पहले UK में फिर UAE में बातचीत का एक अमल जारी है। उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये जो बायलैटरल कॉन्टैक्ट है ये बैक चैनल ISI और रॉ के लेवल के ऊपर है। पाकिस्तान से DGISI जो हैं वो बराह रास्त इस प्रोसेस को लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो इंडियन रॉ चीफ हैं वो या अजीत दोवल वो चंद एक मीटिंग में वो शामिल रहे। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या मुमकिन हल क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर तो अपने मेहमान से पूछेंगे, लेकिन 2-4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तानी जो अस्करी ज़राए हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हमने ये भारत से इस मसले के ऊपर ज़रूर किसी एक ख़ास नुक्ते के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करनी है, लेकिन 3-4 मौके माजी में जो भी आए उसको लेकर हम किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच नहीं पाए। तो अभी एक टर्म यूज़ की जा रही है, स्ट्रेटेजिक पॉज। ये एक मैं अपने मेहमान से ही चाहूँगा इसकी वजाहत करें, स्ट्रेटेजिक पॉज लिया जाए और कुछ इश्यूज़ को जो हल तलब इशूज़ हैं, जिसमें सियाचिन है, सर क्रीक है या और बायलैटरल इशूज़ हैं, मकबूजा वादी को छोड़कर अगर बाकी तनाज़ात पहले हल हो सकते हैं तो उनको कर लें, और साथ साथ मसला कश्मीर को टेबल टॉक से आगे बढ़ाते जाएँ। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है उन टॉक्स का।